हेलो प्यारे बच्चों, ये है हम सब का अपना चैनल फिज़िक्स अवर पैशन, जहाँ पर हम फिज़िक्स की के कंसेप्ट्स की, न्यूमेरिकल्स की, प्रीवियस ईयर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की नॉलेज के लिए सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 5.2, जिसको मैंने आपको सोल्व करके सभी प्रॉब्लम्स को कोशिश की थी अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, एंड आई होप आपने वो लेक्चर कंप्लीट देख लिया है, तो उससे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हमें अप्रोच करना है उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी। अब बच्चों, यहाँ जो नेक्स्ट एपिसोड है काइनेमेटिक्स का, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो इसमें मेनली हमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, और वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है जिन प्रॉब्लम्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन ही स्टडी किया जाएगा। बट स्टडी किस तरह से किया जाएगा, मूविंग फ्रेम से जब किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तब हमें उसके साथ कैसे डील करना है, ये हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, और ये जो नॉलेज है ये रिलेटेड है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के साथ में। हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन के केसेस को, थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केसेस को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो पहले जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और उसके बाद से फिर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग फ्रेम्स, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, अगर लेट ये कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है, लेट ठीक है, इस टावर या बिल्डिंग की हाइट है h, आप यहाँ से किसी बाल को थ्रो करते हैं। अब थ्रो किस किस तरह से कर सकते हैं, लेट एक आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का स्ट्रिक्टली मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मीनिंग है कि ये बाल है आपके पास कोई, और इस बाल को आपने u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बाल की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यानी इस बाल के पास या पार्टिकल के पास में y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। सो इनिशियल वेलोसिटी जो x एक्सिस का लॉन्ग है वो है u, और y एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, y डायरेक्शन का लॉन्ग कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्लियर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मीनिंग यू आर प्रोवाइडिंग वेलोसिटी टू द पार्टिकल इन सच ए वे सच दैट द ओनली कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी कैन हैव इज पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, सो अर्थ के सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी होगी, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से ग्रेविटी तो एक्ट करेगी, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, ये इसका पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर हिट करता है। अब वेरियस पैरामीटर्स वहीं के, इस प्रोजेक्टाइल को अगर आपने ओ पॉइंट से थ्रो किया और लेट ए पॉइंट पर आया, दिस इज़ पॉइंट लेट ए, सो इस ए पॉइंट तक आया, तो इस ए पॉइंट तक आने में कितना उसने टाइम लिया है, टाइम फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो फाइंड करना होगा उस केस में हमें, जस्ट बिफोर हिटिंग उसकी स्पीड कितनी होगी, ये पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एक फैक्ट तो क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, दैट इज़ माइनस जी। एक्स डायरेक्शन के लोग जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है ना, ग्राउंड के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, अर्थ के सरफेस के पैरेलल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा 0। जो भी कुछ एक्सेलरेशन है वो कौन से एक्सिस का लॉन्ग है, एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन का लॉन्ग माइनस जी। क्लियर, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल का जिसको आपने वो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और ए पॉइंट पर हिट करता है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करेंगे। तो ये आपने क्या किया, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दिया, इनिशियल फाइनल दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करना चाहें तो एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, ये जो कर्व पाथ आप देख रहे हैं ये उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, बट ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस, इसको टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है। कैसे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट ये, यानी कि एक कंपोनेंट जो हुआ इसका वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आया तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, एच। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग लेट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है एक्स। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट वी विल फाइंड टाइम, सो टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में इस प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया। तो आपके पास दो मेथड हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, बल्कि ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे ही मिलेगा। एच अगर गिवन है, आपको बताया गया कि आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस मच हाइट, यानी कि एच गिवन है अगर, सो एच गिवन है उस केस में आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी वाई डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में और ये भी वाई डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का अलोंग होगा माइनस एच। प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ आया सो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ है, माइनस एच, क्योंकि ये किस में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वाई एक्सिस का अलोंग डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का अलोंग जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रू किया था ऐसे, वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन माइनस जी टी स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, एंड टी की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे सो रूट ओवर ऑफ टू एच बाई जी। सो अगर एच गिवन है उस केस में आप टाइम की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप ध्यान भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्कशन का पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस गलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से आपने थ्रो किया, एक्स एक्सिस गलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सो इसी टाइम टी में जैसे प्रोजेक्टाइल यहाँ ओ से ए पॉइंट तक आया, ठीक है, सो इसी टाइम टी में उसने वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एच, एंड इन द सेम टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करना है हमें, सो रिलेशन यूज़ करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन, बट दिस टाइम वी विल यूज़ इट अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन भी। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है यू, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग यू इंटू टाइम प्लस हाफ एक्स एक्सिस गलोंग, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा सो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस गलोंग जीरो। सो वी आर गेटिंग एक्स इक्वल्स टू यू इंटू टी। तो टाइम कौन सा यूज़ करेंगे ये, क्योंकि उतने ही टाइम में एच वाई डायरेक्शन में एच डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और एक्स डायरेक्शन में ये, तो ये वैल्यू टाइम की रखेंगे यहाँ पर रूट ओवर ऑफ टू एच बाई जी, दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर, ठीक है। सो दीज आर टू पैरामीटर्स। वन थिंग यू कैन ऑल्सो फाइंड इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले, जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी है, कैसे करेंगे देखिए। लेट जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड इसकी स्पीड को मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इस वी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग, सेकेंड कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस का लॉन्ग, सो वी एक्स एंड वी वाई। अब वी एक्स इंडिपेंडेंटली और वी वाई इंडिपेंडेंटली अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। वी एक्स फाइंड करते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो वी एक्स यू एक्स ए एक्स। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक्सेलरेशन, सो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग यू है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था यू, प्लस एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा,
यू नो, सो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का लूँ, जीरो रखेंगे यहाँ पर, टाइम टी, सो वी एक्स इक्वल्स टू यू, यानी एक्स एक्सिस का लूँ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। रीज़न बिल्कुल क्लियर सा है, अर्थ अपने सरफेस के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं रखती, सो वी एक्स मस्ट बी इक्वल टू यू। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का लूँ, दैट विल रिमेन सेम। अब बात करें वाई एक्सिस का लूँ, सो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। सो वाई डायरेक्शन का लूँ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी थी नहीं, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी एंड टाइम टी, ठीक है। सो वी वाई इक्वल्स टू माइनस जी टी, ये वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस का लूँ। अब स्पीड अगर आपको चाहिए, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है, सो दिस विल बी वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। सो वी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ वी एक्स की वैल्यू यू है, सो यू स्क्वेयर प्लस वी वाई की वैल्यू जी टी है, यहाँ रखेंगे, सो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। दिस इज स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टी की वैल्यू यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जिसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, अगर सॉरी दिस इज टाइम, तो ये टाइम अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे इस जगह पर, तब हमें स्पीड कौन सी मिलेगी, जस्ट बिफोर हिटिंग एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, अगर किसी इंस्टेंट पर अगर आपको फाइंड करनी है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो इसी तरह से ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी, यहाँ डायरेक्शन होगी, दिस विल बी एक्स कंपोनेंट एंड दिस विल बी वाई कंपोनेंट। सो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। सो ये आपको स्पीड मिलेगी इस पाथ में किसी भी इंस्टेंट पर, बट अगर यहाँ टी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे ये, तो आपको जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड मिलेगी, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है कि हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ में, हॉरिजॉन्टली जिसको थ्रो किया गया है उसके साथ कैसे डील करना है। अब इसके टू अलग अलग केसेस हैं, एक बार मैं वो आपके साथ में जल्दी से और डिस्कस करता हूँ, फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। देखिए, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए तो ये केस हो चुका, बट मे बी वो किसी टावर से जब किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो वेलोसिटी प्रोवाइड करें, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी वो ऐसी सिचुएशन ले, देखिए दिस इज हाइट एच, और इसको थ्रू किया आप पार्टिकल को यू इनिशियल वेलोसिटी से एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बनाते हुए थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी तो वो सभी पैरामीटर्स हमसे पूछ सकते हैं कि भाई हमने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना देकर इंक्लाइंड रखी है वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए। अब इस केस में हमें फाइंड करना है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम टू ग्राउंड एंड ऑल द पैरामीटर्स, इस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो डील उसी तरह से करना है, क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप ये देखिए दिस इज यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस अलोंग, दिस विल बी यू कोस थीटा एंड दिस इज इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन विच इज यू साइन थीटा, क्लियर। अब ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अब ये इसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड आई होप आप सब फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इन प्रॉब्लम्स के अंदर मेन फैक्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब आप एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का यूज़ करें, सो डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस का लॉन्ग फाइंड करें, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें मतलब कोई लॉजिक है उसको दोबारा से सोल्व करने का, क्योंकि अगर आपको टाइम चाहिएगा, सो अगर h गिवन है फॉर एग्जांपल, और आपको टाइम चाहिए कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को हिट करने में, सो आप यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस लेंगे, सो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस गलोंग, एक्सेलरेशन y एक्सिस गलोंग। अब प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इनिशियल पोजीशन को फाइनल से ज्वाइन करेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट,
बट इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट किधर हुआ, वाई एक्सिस गलोंग, और दूसरा कंपोनेंट किधर हुआ, एक्स एक्सिस गलोंग. सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दिस विल बी माइनस एच इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस गलोंग इज यू साइन थीटा. दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन. अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे. सो दिस विल बी यू साइन थीटा, ये पॉजिटिव होगा, इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी टी स्क्वेयर. ठीक है. सो अब वेरियस अरेंजमेंट इस तरह से बनाए जाएंगे कि अगर आपको टी की रिक्वायरमेंट है तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बताए जाएं. ठीक है. इसी तरह से एक्स डायरेक्शन के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं. एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करेंगे सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, एक्स. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, यू कोस थीटा टाइम टी जो यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, प्लस एक्स एक्सिस करूँगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, जीरो. कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो जीरो होगा. सो एक्स इक्वल्स टू यू कोस थीटा इंटू टी. ठीक है. ऐसे ही स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, आई होप आप. ठीक है. एक केस मैं और डिस्कस करता हूँ. देखिए अभी उन्होंने प्रोजेक्टाइल को क्या किया था, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट ना करके अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया. मे बी वो इस तरह से प्रोजेक्ट करें इसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे. दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू और ये हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए बट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. अब इस केस में उसी तरह से हमें टाइम फाइंड करना होगा कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने में. तो कर सकते हैं आप कैसे. इधर एक्स एक्सिस गलूंग कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी लूंगा एक्स एक्सिस यू कोस थीटा. ठीक है. वाई डायरेक्शन गलूंग कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा. ठीक है. और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मूव करेगा, यहाँ आएगा, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज ए. ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस गलूंग और ये वाई एक्सिस गलूंग. ठीक है. अब सिमिलरली आप फिर से अगर आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है तो टाइम की रिक्वायरमेंट है तो आप इस इक्वेशन का जैसे यूज़ करेंगे. अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के लोग माइनस एच होगा, माइनस एच सब्सटीट्यूट कर देंगे. बट यहाँ ध्यान क्या रखना होगा हमें, यू वाई. सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये नेगेटिव यूज़ की जानी चाहिए, माइनस आना चाहिए इसके लिए. तो यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, बाकी सेम रहेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी. ठीक है. इसी तरह से एक्सपाइंड किया जा सकता है. सो आई होप आप इन सिचुएशंस के साथ में अब डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेन जो फैक्ट है माइंड में वो ये रखना है कि एक्स डायरेक्शन के साथ इंडिपेंडेंटली अलग से डील करें, वाई एक्सिस के साथ अलग से डील करें. ठीक है. एक मैं प्रैक्टिकल सी सिचुएशन आपको और भी बताता हूँ. देखिए एक प्रॉब्लम इसी तरह से वो डिस्कस करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कभी वो. देखिए अगर हमें ये बोला गया कि ये कोई जैसे लेट कंसिडर करें आप कोई कोई फाइटर प्लेन है लेट, और ये फाइटर प्लेन मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से एंड लेट इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. ठीक है. फाइटर प्लेन है और यू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो मोशन में है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड की गई है आपको कि ये ग्राउंड से एच हाइट पर है. ठीक है. अब लेट अस सपोज करें आप, उन्होंने बताया कि यहाँ से इस फाइटर प्लेन से एक बॉम्ब है और उस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है. ठीक है. बॉम्ब है और इस बॉम्ब को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया. क्लियर. अब बॉम्ब को ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप करने के बाद से वो ग्राउंड को हिट करेगा. ठीक है. पाथ किस तरह का होगा उसका, कितना टाइम लेगा वो ग्राउंड को हिट करने में. ठीक है. और यहाँ से कितनी डिस्टेंस अवे, जहाँ से उसको थ्रू ड्रॉप किया गया वहाँ से कितनी डिस्टेंस अवे वो ग्राउंड को हिट करेगा, इस तरह की क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे. सो फर्स्ट रिमेंबर वन थिंग,
कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जो फाइटर प्लेन है, सो फाइटर प्लेन मोशन में है, मूव कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, ठीक है। अब लेट सपोज करिए आपकी, अगर मैं उस फाइटर प्लेन में प्रेजेंट हूँ, सो मेरी बॉडी भी मूव कर रही है यू वेलोसिटी से, एंड माय हैंड, ये मेरा हाथ है, जब मैं बॉम्ब को ड्रॉप करूँगा लेट ऐसे समझिए, तो मेरा हाथ भी मूव कर रहा होगा यू वेलोसिटी से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। सो इसकी वेलोसिटी यू है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्लियर, ठीक है। सो जब बॉम्ब को भले ही ड्रॉप किया गया हो, अब ड्रॉप करने का मीनिंग क्या होगा, ड्रॉप करने का मीनिंग यहाँ पर होगा कि यू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ड्रॉप किया गया उसको, सो ड्रॉप करने का मीनिंग ये होगा यू वाई ज़ीरो है, यानी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, बट एक्स एक्सेस के अलोंग बॉम्ब विल हैव सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ फाइटर प्लेन, सो यू वेलोसिटी रहेगी इसकी एक्स एक्सेस के अलोंग, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी रहेगी, लॉजिक मैंने आपको समझाया उसका। अब आप देखिए ये वही सिचुएशन हो चुकी है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन की, कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में भी यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता था, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर हिट करेगा, दिस विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सेस। अब सेम है डील करना, अब उसके साथ में सेम है, टाइम कितना लगेगा उसको यहाँ से ग्राउंड तक आने में, सो टाइम फाइंड करना है, सो टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या ये थी रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, हाउ कैन आई राइट इट डायरेक्टली, द रीज़न बीइंग इट इज़ द सेम केस एज इन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, उसमें भी यू वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते थे, सो टाइम की वैल्यू आती थी रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, अब इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा ये जो टाइम पीरियड होगा ना, या टाइम पीरियड बोलिए, ये जो टाइम पीरियड होगा ये उन सभी केसेस के अंदर एप्लीकेबल होगा जब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ज़ीरो है और आप ग्राउंड के क्लोज हैं और जो एयर है एयर का फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तीन बातें बताई मैंने आपको। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एयर फ्रिक्शन पहले से निगलेक्ट किया गया है, अर्थ के सरफेस के क्लोज का ही डिस्कशन होता है तभी हम जी को कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि आप इस फॉर्मूले का रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी इसका आप यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि मैं एक तरह से आपको ये कह रहा हूँ कि ये कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की हाइट है h, यहाँ पर कोई बॉडी है बाल है, इसको ड्रॉप किया, ये तो क्लियर है कि इसका मोशन तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा क्योंकि इसको ड्रॉप किया, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग ज़ीरो है, एक्स डायरेक्शन में तो दी नहीं गई लेकिन वाई डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है, तो कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने में, यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, यू मल्टीप्लाइड बाई टी। आप चाहें तो x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ, बट मैंने क्योंकि हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन आपको अभी पीछे पढ़ाया है तो इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ये, ठीक है, बट ये केस इन्वॉल्व किया जाता है। अब हम चलते हैं बुक की प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज जो है हमारे पास में जो हमने कल डिस्कस की थी उसी तरह से हमें 5.2 के बाद 5.3 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। उससे पहले कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स बुक के अंदर डाली गई है तो मैं क्या करूँगा अभी आपको वही जो प्रॉब्लम्स है जो बुक में डाली गई है वही प्रॉब्लम्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप एक्सरसाइज है उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो खुद से सोल्व करने पाए। तो ये बेहद ज़रूरी है कि उससे पहले उन्होंने जो प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो अगर आप अच्छे से समझने पाए तभी आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे बुक के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उन पर, ठीक है, सो स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ फैक्ट्स मैं और क्लियर करूँगा। तो बच्चों मूविंग फ्रेम से प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम,
क्या मीनिंग हुआ उसका। सो पहले आप ये समझिए कि जैसे अगर यहाँ पर लेट कोई कार है, ऐसे समझ लीजिए ओपन कार है लेट, ठीक है, ओपन कार है यहाँ पर कोई, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये ओपन कार है लेट, और ये जो ओपन कार है ये मोशन में है लेट, वी वेलोसिटी से ये मोशन में है, रोड पर मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, एंड लेट इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, अभी के लिए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी। अब देखिए, सपोज इफ समवन, अगर यहाँ से कोई पर्सन क्या करता है, किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करता है इसके अंदर से, ठीक है, ऐसे समझिए यहाँ से किसी ने क्या किया कि एक बाल को प्रोजेक्ट किया और यू वेलोसिटी प्रोवाइड की है बाल को, और हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, यहीं से क्लियर करूँगा मैं आपको जो मुझे प्रॉब्लम्स डील करनी है उनके लिए मेनली ये कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझिए। सो यू वेलोसिटी प्रोवाइड की आपने, एंड रिमेंबर वन थिंग, यू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, यू जो वेलोसिटी है इस प्रोजेक्टाइल की वो विद रिस्पेक्ट टू कार है, क्लियर। नेक्स्ट, वी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वी वेलोसिटी जो है वो तो कार की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है, और यू जो वेलोसिटी है वो इस प्रोजेक्टाइल की कार के विद रिस्पेक्ट है, इस बात को ध्यान रखिए, वो मैंने शो किया। अब अगर इस वेलोसिटी को आप टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, सो यू नो वेरी वेल दिस विल बी यू कोस थीटा एंड दिस विल बी यू साइन थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग यू कोस थीटा, वाई एक्सिस का लॉन्ग है यू साइन थीटा, क्लियर। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं, रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, कि इसकी प्रोजेक्टाइल की यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखिए आप इस बात को, मैं रिलेटिव मोशन अभी नहीं डिस्कस कर रहा, रिलेटिव मोशन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव मोशन इन 2D ये मानकर चलिए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स इन वेरियस एग्जामिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हम अलग से टाइम लगाएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे, बट अभी के लिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम के लिए मुझे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसको। रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या था, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल में ये ग्राउंड कोई कंपलसरी नहीं होता, वेलोसिटी ऑफ वन और वेलोसिटी ऑफ टू यहाँ पर सेम फ्रेम में होती है, तो बट हम ग्राउंड कंसिडर करते हैं मैक्सिमम केसेज में, तो इसलिए मैंने ग्राउंड शो किया है। यह वेलोसिटी वन की टू के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, वन की वेलोसिटी टू के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ये हम पीछे स्टडी कर चुके, जिन बच्चों ने रिलेटिव मोशन इन 1D का जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं देखा है, सो वो शायद कम समझने पाएंगे, तो इसलिए वो लेक्चर देख सकते हैं पहले, वो फिर आ सकते हैं यहाँ। सो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पर, वेल वन की जगह मैंने पार्टिकल शो किया, टू की जगह कार, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी यानी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कार के विद रिस्पेक्ट गिवन है, बट मुझे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट चाहिए, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसको ध्यान रखिए, आगे के लिए काफ़ी यूजफुल है, फ्रीक्वेंटली हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई एम यूजिंग वेक्टर साइन ओवर देयर, यहाँ पर वेक्टर साइन यूज़ किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वापस आते हैं। सो पहले एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार। सो जब आप यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स एक्सिस लेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार एक्स एक्सिस के अलोंग है यू कोस थीटा, क्योंकि u वेलोसिटी पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल की कार के विद रिस्पेक्ट है, तो x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है u cos theta। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार इज u cos theta प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v। तो जैसे मैंने u cos theta को पॉजिटिव रखा, यानी कि राइट जो साइड है उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया, u cos theta पॉजिटिव लिया, v भी उसी डायरेक्शन में है तो उसको भी पॉजिटिव रखेंगे, सो दिस इज v, क्लियर। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार क्या लेंगे, वाई एक्सिस गलोंग। सो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कार के विद रिस्पेक्ट वाई एक्सिस गलोंग कितनी है, दिस इज यू साइन थीटा। सो आई विल राइट हेयर यू साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार की वेलोसिटी जो भी कुछ वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन ही एक्स एक्सिस गलोंग है, वाई डायरेक्शन अलोंग तो कार की कोई भी वेलोसिटी नहीं है। सो कार की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट लेकिन वाई डायरेक्शन के अलोंग जीरो होगी, दिस इज जीरो, ठीक है। सो ये रिजल्ट हमें मिला, यानी ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी रखेगा, यू कोस थीटा प्लस वी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। यू कोस थीटा इधर है राइट साइड में, वी भी इधर है इसकी राइट साइड में, तो यू कोस थीटा प्लस वी ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई डायरेक्शन की बात करें, सो वाई डायरेक्शन के अलोंग सिर्फ एक ही इसी का कंपोनेंट था वाई डायरेक्शन में, इस कार की तो कोई वेलोसिटी नहीं है इधर, सो इसकी वेलोसिटी इधर होगी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। वन मोर वे, अगर इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता कुछ इस तरह से, यहीं शो कर लेते हैं, इस तरह से कोई ओपन कार है और उस कार के अंदर उसको ऐसे थ्रू किया जाता, यू वेलोसिटी, ये एंगल है थीटा, ये वेलोसिटी है वी। अब सिमिलरली उसी तरह से वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए, अब वापस वो सारा शायद आप समझ चुके हैं, डायरेक्ट बताया जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी यू कोस थीटा एंड दिस विल बी यू साइन थीटा। तो बताइए इस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी होगी। सो यू कोस थीटा बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इधर है, तो ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव, फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो आप उसको ऐसे शो कर सकते हैं, चाहे तो माइनस यू कोस थीटा प्लस वी ऐसे शो कर सकते हैं, माइनस यू कोस थीटा प्लस वी, ठीक है ना, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, उधर थी, तो माइनस यू कोस थीटा प्लस वी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, सो एक ही कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, सो दिस विल बी यू साइन थीटा। और बच्चों अगर मान लो एक मिनट के लिए आपके सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की गिवन हो के प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, और कार है वो मोशन में है वी वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में शो कर लूँ, लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेलोसिटी जो यू है वो कार के विद रिस्पेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस,
इस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट अगर फाइंड करें एक्स एक्सिस के अलोंग तो कितनी होगी। सो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मिलेगा? जीरो। इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा उसका। तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई इस डायरेक्शन में, लेकिन कार की है बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस वी। सो देखिए यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग, इस पार्टिकल यानी ग्राउंड पर जो पर्सन है ना, ग्राउंड पर जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ये पार्टिकल वेलोसिटी रखेगा माइनस वी इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग। और वाई डायरेक्शन के अलोंग बात करें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस, सो यू अपवर्ड डायरेक्शन में है प्लस इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़ीरो है। ठीक है, आई होप समझ में आया है आपको, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम सोल्व करनी है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और ये जब भी मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमें जो वेलोसिटी गिवन मिलेगी पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल की वो मूविंग फ्रेम के विद रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, सो इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, मे बी आपका किसी का कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए मुझसे, मैं कोशिश करूँगा आपको एक प्रॉपर अच्छी एक्सप्लेनेशन दी जाए। ठीक है, अब हम बुक की प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन जो एम है वो तो यही है कि प्रॉब्लम सोल्व की जाए, ताकि हम एक अप्रोच के साथ में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पाए, एक अप्रोच हो हमारे पास एक्सरसाइज में जाएं तब तक कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो कॉन्सेप्ट मुझे इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सो कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ डिस्कशन लायक। ठीक है, सो जैसे कि एक प्रॉब्लम तो मेरे पास में ये है, जैसे उन्होंने बोला, आप प्रॉब्लम को सुनिएगा पहले अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ए बॉय ट्रेवलिंग इन एन ओपन कार, ए बॉय ट्रेवलिंग इन एन ओपन कार मूविंग ऑन ए लेवल रोड विद कॉन्स्टेंट स्पीड टोसेस ए बॉल वर्टिकली अप इन द एयर एंड कैचेस इट बैक, स्केस द मोशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द बॉय स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ, गिव एक्सप्लेनेशन टू सपोर्ट योर डायग्राम। कंसेप्चुअल टाइप की प्रॉब्लम है ये। तो ए बॉय इन एन ओपन कार मूविंग ऑन ए लेवल्ड रोड विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, सो अभी शो की थी मैंने, जैसे ये सिचुएशन है, ये ओपन कार है। ठीक है, यहाँ से किसी लड़के ने क्या किया, एक बाल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक बाल है और उस बाल को इसने क्या किया, थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया इन एयर, कैचेड इट बैक, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया और इसने वापस इस बाल को पकड़ भी लिया। अब जो कार है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट वी से। ठीक है, स्केस द मोशन ऑफ द बाल एज ऑब्जर्व बाई ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। सो हमें देखिए, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये कोई लड़का खड़ा हुआ है रोड पर, ये कार के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमें ये बताना होगा कि इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट, ये ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट मोशन किस तरह का रहेगा। क्लियर, अब इस लड़के के अकॉर्डिंग जिसने थ्रो किया है, जिसने थ्रो किया उसके अकॉर्डिंग इसका मोशन कैसा होगा, तो इसने इसको वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस लड़के के अकॉर्डिंग
इस बॉल के पास में सिर्फ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। सो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट, यानी विद रिस्पेक्ट टू मुझे शो करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कार, कार में जो पर्सन है। सो कार में जो पर्सन है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी की बात करें वाई डायरेक्शन में, वो है यू, यू वेलोसिटी से थ्रो किया, सो यू वेलोसिटी है उसके इनिशियल वाई डायरेक्शन में। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी है, जीरो, ठीक है। आप कार में प्रेजेंट है, आप बाल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो आपके लिए तो वाई डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है ना इसके पास में, एक्स डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, सो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग अगर सोचें, वी वेलोसिटी है कार की। अब मैंने पीछे जो केसेस बताए थे इफ यू रिमेंबर वेल, क्या, अब देखिए जो बाहर पर्सन खड़ा हुआ है ये ऑब्जर्वर, इसके अकॉर्डिंग वाई डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी है ही, इस बाल की वाई डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी है ही। बट एक्स डायरेक्शन की बात करें तो जिस पर्सन ने, जिस लड़के ने उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्योंकि कंप्लीट कार वी वेलोसिटी से मोशन में है, वो लड़का खुद कार के अंदर प्रेजेंट है जिसने बाल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका जो हैंड होगा, हाथ उसका, वो भी एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मोशन में है जो ग्राउंड पर पर्सन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब जब वो उसको थ्रो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बट उसके हैंड की भी तो वेलोसिटी है ना, उसके हाथ की वेलोसिटी भी किधर है, वी वेलोसिटी है क्योंकि वो कार के अंदर प्रेजेंट है, तो बाल है उसके हैंड पर प्रेजेंट है, तो भले ही उसको थ्रो किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो यू वेलोसिटी बाल की होगी, बट कार के मोशन की वजह से एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी किसकी, बाल की। कहाँ से ऑब्जर्व करने पर, ग्राउंड से ऑब्जर्व करने पर। सो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस बाल के पास में दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक यू और एक वी, ऐसे एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। और बाल मूव करेगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होना ही चाहिए क्योंकि एक बार उसको थ्रो कर दिया गया तो फिर वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करेगी। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वजह से मूव करने पाई है, इस वी वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि जब थ्रो किया गया, क्योंकि लड़का कार में था तो कार वी वेलोसिटी से मोशन में है, तो बाल भी वी वेलोसिटी से मोशन में होगी। सो ये ऑब्जर्वर जो नोटिस करेगा, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बाल का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, पहले कार यहाँ थी और उसके बाद से वो कार यहाँ होगी, उस लड़के के हाथ में ये बाल आएगी। लड़के के हाथ में बाल आने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो बाल है, अब बाल की एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यू, एज ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर ऑन फुटपाथ। सो वी वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और कार जो है, कार वो खुद भी कितनी वेलोसिटी से मोशन में है, वी वेलोसिटी से। तो टी टाइम में जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की, टी टाइम में जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग इस बाल ने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सेम डिस्टेंस क्या होगा, वो कार भी ट्रेवल करेगी टी टाइम में, टी टाइम में कार भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। इसलिए वो बाल को कैच करने पाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो प्रेजेंट है ग्राउंड पर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो ऑब्जर्व करेगा उसके लिए इस तरह का पाथ होगा। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है, हालांकि काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम थी, येट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए बॉय थ्रोज ए बॉल इन एयर एट 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। बॉय थ्रोज ए बॉल इन एयर एट 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल अलोंग ए रोड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल इसको एयर में थ्रो किया गया है
कितने एंगल पर, ये एंगल बना हुआ है 60 डिग्री इन एयर टू दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और कितनी स्पीड से थ्रो किया उन्होंने, 10 मीटर पर सेकंड से। अनदर बॉय सिटिंग इन ए पासिंग कार ऑब्जर्व्स दी बॉल, ठीक है, यहाँ से कोई लेट एक और कार मोशन में है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है वो भी इस बॉल को ऑब्जर्व करता है, देखता है, ठीक है। तो वो कह रहा है स्केच द मोशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय द बॉय इन द कार, द कार स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड। अगर कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ कोई दूसरा ऑब्जर्वर यानी कोई दूसरा पर्सन था जिसने क्या किया है, इस बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, यहीं से एक और ऑब्जर्वर, एक और कार पास हुई है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप बताइए कि लेट ये इस पर्सन है जिसने थ्रो किया और हमारे लिए ये ऑब्जर्वर है, सो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस बॉल का मोशन किस तरह का होगा, कुछ फाइंड भी करना है। स्केच द मोशन एज ऑब्जर्व बाई दी बॉल इफ द कार हैज़ ए स्पीड, गिव एक्सप्लेनेशन टू सपोर्ट योर वर्ड, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इनिशियल प्रोजेक्टाइल की, सो इसको एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट इसका चेक करें, यू एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60, सो यू इज 10 एंड कोस 61 बाई 2, सो दिस इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड। और इधर वाई डायरेक्शन की बात करें, सो यू वाई इक्वल्स टू 10 साइन 60, 10 इंटू रूट 3 बाई 2, 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड। सो ये 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड डायरेक्शन में और इधर है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, ऐसे समझिए कि बाल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है 5 मीटर पर सेकंड और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है उसकी वो है 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जो कार है वो खुद मोशन में है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो इसके अकॉर्डिंग इस बॉल का मोशन कैसा होना चाहिए। अब इस कार में जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, कैसे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं पहले, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग और ये भी, ठीक है, बॉल की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड कर रहे हैं, बाल की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस गलूँ, सो बाल की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी है 5 माइनस ऑब्जर्वर की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी है, ये भी 5 है, और ये जो वेलोसिटी है, ये जो 10 वेलोसिटी गिवन है, ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है, कभी पिछली जो प्रॉब्लम है उससे आप कन्फ्यूज हो, जो मैंने पहले बताया था आपको, ये जिस पर्सन ने थ्रो किया है वो तो ग्राउंड पर प्रेजेंट है, अब ग्राउंड पर प्रेजेंट है तो ये वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ही है, ठीक है, सो दिस विल बी जीरो, ठीक है। सो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बाल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए जीरो होगी, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी जीरो, तो एक ही कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वाई डायरेक्शन के लॉन्ग एक ही कंपोनेंट होगा और वो कितना होगा 5√3, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जर्वर की तो कोई वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है नहीं वेलोसिटी का, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वही अपीयर होगी इसको, तो सो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बाल की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस के लॉन्ग सेम रहेगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। सो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि बाल को थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो अपनी मैक्सिमम हाइट कुछ अचीव करेगी और अचीव करने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ऐसे शो कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट क्या है, सिर्फ एक्स वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है, सो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है तो
बाल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी और फिर वापस आ जाएगी इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट। सो जो लास्ट प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम है, सो दोनों एक तरह से अगर देखा जाए डील करती है टू रिवर्स सिचुएशंस के साथ में, ठीक है। थोड़ा वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना, इसको सोचना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, येट फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, सो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपका कोई डाउट रहता है तो। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें गिवन है बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, बॉय ऑफ हाइट, लेट बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, लेट इसकी हाइट 1.5 मीटर गिवन है, ठीक है। इसके बाद मेकिंग मूव ऑन ए स्केटबोर्ड ड्यू ईस्ट विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, सो लेट इसको यहाँ स्केट शो करने पड़ेंगे, स्केटबोर्ड शो कर लेते हैं। ये स्केटबोर्ड पर प्रेजेंट है, ठीक है, और जो स्केटबोर्ड है वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, लेट ये राइट साइड में ईस्ट कंसिडर कर लेते हैं, विद वेलोसिटी 4। तो ये स्केटबोर्ड पर प्रेजेंट है ही, तो इसकी वेलोसिटी भी ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। आगे सुनिए, थ्रोज ए क्वाइन वर्टिकली अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ। तो इसने क्या किया, एक क्वाइन है वो थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो क्वाइन है उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्वाइन वो है 3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ठीक है। सिचुएशन समझो पहले, तो क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने, फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वाइन रिलेटिव टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन रिलेटिव टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन रिलेटिव टू ग्राउंड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, टिल इट कम्स टू हैंड ऑफ बॉय। सेकेंड पार्ट भी है, मैक्सिमम हाइट अटेंड क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड फाइंड करना एंड डिस्प्लेसमेंट, टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, ठीक है। सो हमें पहले तो क्या करना होगा, देखिए ये जो यू वेलोसिटी गिवन है अपवर्ड डायरेक्शन में, यू जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू, क्वाइन की वेलोसिटी है किसके विद रिस्पेक्ट, बॉय के विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकेंड। और इसके ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट अगर देखी जाए, इस पर्सन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाइट है 1.5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट बताते हैं पहले, तो रिलेटिव टू ग्राउंड बताना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, वो भी रिलेटिव टू ग्राउंड, टिल इट रीचेस, टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय। फर्स्ट एक फैक्ट समझिए आप, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, ये वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट है, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा मुझे आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट, तो एक बार शो करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, क्या शो करना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वाई एक्सेस का लॉन्ग, ये भी है, फिर मुझे वाई एक्सेस का लॉन्ग कंसिडर करना होगा, ये भी, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स में थोड़ा टाइम लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, फिर जैसे जैसे आगे चलेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट अगर यूज़ हो रहे होंगे तो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। सो क्वाइन की वेलोसिटी बॉय के विद रिस्पेक्ट, वाई एक्सेस का लॉन्ग, सो वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बॉय वाई एक्सेस के अलॉन्ग कितनी है, 3, अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस, ये फाइंड करना है हमें, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग वाई एक्सिस।
अब वाई ग्राउंड के अलोंग वेलोसिटी रखता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो एक तो ये इफेक्ट समझ में आया आपको, वेलोसिटी क्वाइन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है। अब डायरेक्ट भी समझ जाया करो, अब वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो होगी वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ क्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितनी है, 3, प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाई डायरेक्शन के लॉन्ग 0, तो वही वेलोसिटी क्वाइन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट आ गई ना, बट आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। वेलोसिटी क्वाइन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट डायरेक्ट शो कर लेते हैं, वेलोसिटी क्वाइन की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस का लूँ, तो ये सेम कंसेप्ट यूज हुआ। अब बॉय खुद 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मोशन में है, तो जब उसने थ्रो किया होगा, ऐसे थ्रो किया होगा, सो क्वाइन भी तो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना बॉय के मोशन की वजह से। सो क्वाइन की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी कंसिडर करनी चाहिए, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड ही कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्वाइन का रिलेटिव टू ग्राउंड बताना है हमें टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, तो हो गया इसमें अगर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट सिचुएशन सोची जाए। सो अगर दिस इज ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, होगा क्या इसमें, आप एक बार सोचिए। जस्ट अभी पीछे मैं डिस्कस करके आया, क्वाइन के पास में 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ये रही 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, सो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट इसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि बॉय की वेलोसिटी भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड है, तो जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने टाइम में बॉय भी क्या होगा, यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है, इस जगह पर प्रेजेंट होगा। तो उसके हाथ में ये शो किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर इसके हाथ में ये क्वाइन वापस आ चुका होगा, ऐसे समझिए आप। डायग्राम क्लियर इतना नहीं हुआ होगा बट ये आ चुका है यहाँ, ठीक है, क्योंकि क्वाइन की एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और वाई की वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, अब ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट की बात करें वाई एक्सिस के अलोंग, सो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कौन से एक्सिस के अलोंग हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग, सो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, क्लियरली ऐसे किया जा सकता है, देखिए एक तो मेथड ये है आपके पास में, पहले आप यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम फाइंड करना पड़ेगा आपको, और ये जो टाइम होगा ये एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा प्रोजेक्टाइल का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा प्रोजेक्टाइल का, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वी नो टू यू आई वाई जी, तो टू यू आई यानी वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट 3, सो 3 रखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई जी यानी के 10, ठीक है। सो दिस इज 6/10 विच इज 0.6 सेकेंड, इतना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। x एक्सिस का लूँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x इक्वल्स टू वेलोसिटी x एक्सिस का लूँ कितनी है, वेलोसिटी x एक्सिस का लूँ है 4 इंटू टाइम कितना लगा है 0.6, ठीक है 0.6 प्लस हाफ 80 स्क्वेयर करेंगे तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अब ये काफ़ी बार हो चुका ही हो, आप समझ रहे होंगे, यहाँ से 2.4 मीटर, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका x एक्सिस का लूँ ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट क्वाइन का टिल इट कम्स टू दी हैंड ऑफ दी y, और y डायरेक्शन में रहेगा 0, ये क्लियर हुआ। मैक्सिमम हाइट अटेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो ये मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए आप ऐसे कर लो, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है ना, तो पहले प्रोजेक्टाइल के अंदर जो मैक्सिमम हाइट होती है वो फाइंड कर लो, क्योंकि ये तो 1.5 मीटर है। अब वो हाइट मतलब हैंड उसका उसी लेवल पर कंसिडर कर सकते हैं आप, ठीक है, अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम सोल्व होने नहीं पाएगी इस तरह से, कहीं पर भी हैंड कंसिडर करेंगे तो हाइट 1.5 मीटर तो यही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव की है वो, तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में किसके इक्वल होती है, यू वाई स्क्वेयर बाई 2g, सो h इक्वल्स टू यू वाई, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, सो 3 का स्क्वेयर करेंगे 9/2 इंटू जी, सो g की वैल्यू कितनी रहेगी 10, सो 9/20, सो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम कितनी बननी चाहिए 1.5, 1.5 तो यही है,
और फिर प्लस ये एच और कवर किया है 9/20, ठीक है। सो इसको सोल्व करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 30 + 9 = 39/20 meters, सो दिस इज एच मैक्सिमम। यहाँ यू आई और यहाँ पर यू आई, ये मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से फाइंड करनी है हमें। सो ये जो यू आई की वैल्यू होगी, ये जो यू आई की वैल्यू है और यहाँ पर जो यू आई की वैल्यू, ये भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट लेंगे। अब ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट आपने देखी वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी 3 है, तो वेलोसिटी मैंने 3 रखी। यहाँ पर भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वाई डायरेक्शन में 3 है, तो मैंने 3 रखी। सो देखिए, अच्छे से समझिए, डाउट्स बताइए अपने जो भी हैं आपके कमेंट्स में, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस जगह पर, हालांकि ये है इसी तरह की, सो मैं कोशिश करूं कुछ अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके आपके साथ में, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है हालांकि उसी तरह की, पीछे वाली वो मैं छोड़ देता हूँ, जो अलग है वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेल रोड कार ट्रेवलिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड 10 meters per second, ठीक है। फिगर है हालांकि, तो जो फिगर है उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो इस तरह से फिगर गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है हमें 10 meters per second, और यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर शो किया उन्होंने उसको, तो उसको शो किया है यहाँ पर एक गोल पोस्ट शो किया हुआ है, ऐसे कुछ इस तरह से शो किया उन्होंने ऐसे। ये शायद बाल है यहाँ, और इसको थ्रू करना है ऐसे, और ये जो हाइट गिवन है, ये गोल पोस्ट हुआ, ये जो हाइट गिवन है यहाँ, दिस इज़ गिवन टू बी 5 meters, ठीक है। तो आगे अब मैं एक बार रीड कर देता हूँ एज इट इज़ ना। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेल रोड कार ट्रेवलिंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड 10 meters per second, ही विशेज टू थ्रो ए बॉल थ्रो ए स्टेशनरी हुप 5 meters अबोव द हाइट ऑफ हिज हैंड्स इन सच ए मैनर दैट द बॉल विल मूव हॉरिजेंटली एज इट पासेस थ्रो द हुप। बॉल मूव करेगी हॉरिजेंटली एज इट पासेस थ्रो द हुप। सो यहाँ पर वेलोसिटी का सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, दैट विल बी यू एक्स, और वाई डायरेक्शन के लोग यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा 0। हॉरिजॉन्टली मूव करने का मतलब तो यही है ना। अच्छा, नेक्स्ट, ही थ्रोज द बॉल विद ए स्पीड ऑफ 12.5 meters per second विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। तो इसने बॉल को थ्रो किया 12.5 meters per second वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। वेलोसिटी जो है इसकी, लेट यू, सो यू इक्वल्स टू 12.5 meters per second विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ है, ठीक है। आगे, व्हाट मस्ट बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मस्ट बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है। और भी कुछ फाइंड करना है, एक बार रीड कर दूं, हाउ मैनी सेकेंड्स आफ्टर ही रीचेज द बॉल will it pass through the hoop? What horizontal distance in front of hoop must be released? ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए, 12.5 meters per second इसकी खुद के विद रिस्पेक्ट है, ये हाइट 5 meters है, यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजेंटल होनी चाहिए, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं वो वेलोसिटी का, सो वेलोसिटी का अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, दिस विल बी यू एक्स एंड दिस विल बी यू आई, दिस विल बी यू एक्स एंड दिस विल बी यू आई, और ये इसके विद रिस्पेक्ट है, और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है। ये वेलोसिटी जो है वी, ये 10 meters per second है, वेलोसिटी ऑफ रेल रोड कार या वेलोसिटी ऑफ कार
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहिए. इट मींस एक तो इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन वो ये देना चाह रहे हैं यहाँ से कि ये जो है ये कैपिटल एच है. कैपिटल एच क्या है? मैक्सिमम हाइट. ये मैक्सिमम हाइट ही होगी ना, ये मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए क्योंकि तभी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, अब मुझे मेनली यू आई फाइंड करना है. सो यू आई फाइंड करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है टू डिफरेंट मेथड से. एक क्या हो सकता है कि आप इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट. ठीक है, एक तो मेथड ये हो सकता है. जैसे इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कैसे सोल फाइंड कर सकते हैं, देखिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे. मैक्सिमम हाइट कितनी है? 5 मीटर. ठीक है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर होगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वही ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट भी रहेगा क्योंकि इस कार की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, इसकी वेलोसिटी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. ठीक है, अच्छा तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ये 5 मीटर रही. ठीक है, अच्छा तो ऐसे कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है 5. सो एच कितना होता है? यू वाई स्क्वेयर बाई 2g. यू वाई स्क्वेयर बाई 2g. और यहाँ यू वाई क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसिडर की मैंने. ठीक है, यू वाई जो है वो मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसिडर की है. ठीक, सो ये यू वाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. ठीक है, और वही इसके खुद के विद रिस्पेक्ट होगी. रीज़न मैंने बताया आपको, इस कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं. सो मैक्सिमम हाइट अचीव की 5 = यू वाई स्क्वेयर बाई 2 × 10, 20 × 5 100 हो गया. सो यू वाई स्क्वेयर 100, तो इट मीन्स यू वाई की वैल्यू 10 m/s. ठीक है, सो वाई डायरेक्शन में ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, वाई डायरेक्शन में ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 10 m/s. और एक बात और बताऊँ आपको, यही वेलोसिटी इसके खुद के विद रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, खुद के विद रिस्पेक्ट भी, रीज़न बता चुका मैं. और अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें कि ये 12.5 m/s गिवन है, ठीक है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेट जब थ्रो किया उसको तो हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बनाया थीटा, तो इसको रिजोल्व जब आप करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 12.5 cos θ और इधर आएगा 12.5 sin θ. सो जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग इसकी, जो वाई डायरेक्शन के अलोंग इसकी वेलोसिटी खुद के विद रिस्पेक्ट है, वही वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट होगी. ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लें, किस किस को? 12.5 sin θ को इक्वेट कर देंगे किसके साथ में? इक्वेट करेंगे 10 के साथ. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 10/12.5 मतलब 100/125. 25 से कैंसिल कर सकते हैं 4 और ये 5. सो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिली 4/5. ठीक, और आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, वाई डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वो 10 m/s रहेगी, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो 12.5 sin θ आएगी. ठीक है, साइन थीटा है ही 4/5, सोल्व करेंगे आप वापस 10 मिलेगा. अच्छा, दूसरे पार्ट्स में इसमें क्या फाइंड करना था? हाउ मैनी सेकेंड्स आफ्टर ही रिलीज दी बॉल विल इट पास थ्रू दी हुप, कितने टाइम बाद पास होगी? तो कितने टाइम बाद, अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? ये टाइम ऑफ असेंट होगा ना, प्रोजेक्टाइल आपने अच्छे से पढ़ा है. कंप्लीट टाइम कितना लगता है? कंप्लीट टाइम होता है 2uy/g, और ये जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? t½ यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इसका हाफ करेंगे कितना आएगा? uy/g. uy इज हाउ मच? 10/10. सो t = 1 s. तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा 1 s. एक पार्ट और है, कितने डिस्टेंस पहले इसको थ्रो करना पड़ेगा? एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लूप मस्ट बी ही रिलीज द बॉल, तो कितने डिस्टेंस पहले उसको रिलीज करनी पड़ेगी? तो ठीक है, क्योंकि आप एक बार सोचो कि अब इसकी वेलोसिटी
ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट पहले इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोम खुद के विद रिस्पेक्ट कितनी है इधर, सो इधर आएगी 12.5 कोस थीटा। इस पार्टिकल की या बाल की वेलोसिटी इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस के अलोम कितनी है 12.5 कोस थीटा, और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी है 10, तो इसकी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी मिलनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आनी चाहिए। पहले इसकी खुद के विद रिस्पेक्ट देखो, तो खुद के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस का अलोंग है 12.5 कोस थीटा एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अलोंग प्लस इसकी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अलोंग प्लस 10 रखेंगे यहाँ, तो वेलोसिटी बाल की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट आएगी एक्स एक्सिस का अलोंग 12.5 इंटू कोस थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, सो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा 1/√ ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा 16/25, तो ये वैल्यू 25 - 16 9/25 है ना, और ये 3/5, सो 3/5 प्लस 10, सो 5 से कैंसिल करेंगे 2 पर कैंसिल होगा और फिर 5 पर कैंसिल होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 के इसके साथ में, तो कितना होगा 7.5 प्लस 10, तो कितना हुआ 17.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो कितनी डिस्टेंस है ये, कितनी डिस्टेंस पहले उसको रिलीज किया गया, सो एक्स मस्ट बी इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस अलोंग वेलोसिटी ऑफ बाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टाइम टेकन जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, सो वेलोसिटी ऑफ बाल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है 17.5 इंटू टाइम कितना लगा था 1 सेकेंड, सो ये एक्स की वैल्यू आई यहाँ से 17.5 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस पहले उसको थ्रो करना चाहिए 17.5 मीटर, ठीक है। आप रेंज का भी हाफ कर सकते थे, वैसे जो रेंज है उसका हाफ करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा।